हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में देखो इससे जो पहले हमने लेक्चर किया था इट वाज द फर्स्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ अरुण कात्यान आज ये वीडियो इसका दूसरा पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल मेजर्स ऑफ सॉइल इरोजन देखो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था सॉयल इरोजन क्या होता है वाटर इरोजन इसके टाइप्स और जो इसके स्टेप्स हैं ये भी पढ़ा था हमने और इसकी कुछ इक्वेशंस थी जैसे यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन और विंड इरोजन की भी इक्वेशन थी तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी उसके बाद हमने जो सॉइल कंजर्वेशन की एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसज थी वो देखा आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल मेजर्स को देखेंगे देखो मैकेनिकल मेजर्स क्या हैं मैकेनिकल मेजर्स आर एडॉप्टेड टू सप्लीमेंट द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस एंड वैंड लैंड स्लोप मोर देन 2% देखो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कब की यूज करी जाती हैं जब लैंडस्लोप 2% से कम हो बट अगर लैंड का स्लोप 2 से ज्यादा है तो उस केस में हम मैकेनिकल मेजर्स को यूज करते हैं अब मैकेनिकल मेजर्स में हम क्या करते हैं कुछ इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे क्या है जो वाटर की वेलोसिटी है वो उसको हम कम करते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कंसनट्रेशन बाई इंटरसेप्टिंग द रन ऑफ एंड दे आर बाई प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर पहले केस में तो हम क्या कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा दे रहे हैं मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है पहले केस में कि हमको जो पानी है जो रन ऑफ में पानी आ रहा है उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाना है और दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है टू डिवाइड ए लॉन्ग स्लोप इन टू सेवरल शॉर्ट वन सो एज टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ एंड दस प्रिवेंट इरोजन पहला ऑब्जेक्टिव तो हमने देखा कि हमको इल्ड फिल्ट्रेशन बढ़ाना है दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं जो हमारा स्लोप की लेंथ है अगर हम उसको ब्रेक कर दें या उसके शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स बना दें तो ऐसा करके हम रन ऑफ की वेलोसिटी को घटा सकते हैं अब यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल या बोले वाटर इरोजन को हम कम कर सकते हैं पहला है बेसिंग लिस्टिंग इट इज़ अ मेकिंग ऑफ स्मॉल इंटरप्टेड बेसिन अलोंग द कंटूर एंड इट इज इफेक्टिव ऑन रिटेंटिव सॉइल हैविंग माइल्ड स्लोप देखो इसमें क्या करते हैं बेसिंग लिस्टिंग हम किसमें करते हैं मान लीजिए माइल्ड स्लोप है ठीक है ये है माइल्ड स्लोप तो इसमें हम क्या करते हैं एक इम्प्लीमेंट होता है बेसिन लिस्टर इससे हम ऐसे अलॉन्ग द स्लोप छोटे छोटे ट्रेंच टाइप के बना देते हैं देखिए ये इमेज में ये स्लोप लगा लीजिए थ्री टू फोर परसेंट स्लोप है यहाँ हम इसमें क्या करते हैं बेसिन लिस्टर की हेल्प से ऐसे कुछ बना देते हैं बेसिन अलोंग द स्लोप दूसरा है सब सॉइलिंग सब सॉइलिंग में क्या करते हैं ब्रेकिंग ऑफ हार्ट पेन हार्ट पेन को ब्रेक करके क्या फ़ायदा होगा जो पानी का इलफिल्ट्रेशन है वो बढ़ जाएगा पानी का इफ़िल्ट्रेशन बढ़ेगा जो पानी है जो हाई वेलोसिटी से आ रहा है वो पानी सॉइल uh, में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा और उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तीसरा है कंटूर बंडिंग अब देखो कंटूर बंडिंग क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं यहां दो चीज़ें हैं जो सबसे मेन है वाटर इरोजन को कम करने के लिए हम दो चीजें बनाते हैं पहला है बंड्स और दूसरा है टेरिस ये दो बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंड्स और टेरेस हम बंड्स को कब यूज करते हैं जब स्लोप क्या हो टू टू टेन परसेंट अगर टू टू टेन परसेंट स्लोप है ये जनरल एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ इसको याद करने की जरूरत नहीं है बर्ंडस को हम बनाते हैं वेन द स्लोप इज टू टू टेन परसेंट और टेरेसेज को कब बनाते हैं लैंड स्लोप अप टू थर्टी फाइव अगर इतना भी है थर्टी फाइव परसेंट तक स्लोप है तो इस केस में हम टेरेसेस को बनाते हैं यानी कि इससे हमें क्या समझ में आया स्लोप ज़्यादा है तो हमको टेरेस बनाना पड़ेगा और माइल्ड स्लोप है या बोल लें मीडियम टू टू टेन परसेंट तो इस केस में हम क्या करेंगे बर्ड्स को बनाएंगे अब बर्ंडस क्या होते हैं देखो सबसे पहले हम कंटूर बंड के बारे में बात कर लेते हैं कंटूर बर्ंड इज अ मेकिंग अ कंपेरेटिवली नैरो बेस्ड एम्बेगमेंट इन इंटरवल अक्रॉस द लैंड स्लोप ऑन ए लेवल दैट इज अलोंग द कंटूर देखो समझा देता हूँ यह है स्लोप आपका ठीक है यह स्लोप है हम क्या करते हैं इसमें अलोंग दी लैंड स्लोप बंड्स बना देते हैं बर्ंडस आपको पता ही होगा क्या होता है मेड़ हम बंड्स बना देते हैं ताकि जो वाटर का इरोजन है वो कम हो जाए अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है इट इज़ मेड ऑन अक्रॉस द लैंड स्लोप ऑन ए लेवल दैट इज अलोंग द कंटूर ये वाली लाइन लेवल दैट इज अलोंग द कंटूर इसका मतलब क्या है देखिए मैं इसको समझाने के लिए एक थ्री डायग्राम बना देता हूँ यह है आपका लैंड ये इसका ये स्लोप है अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो हम बंड्स बना रहे हैं देखो स्लोप के अलोंग तो बना ही रहे हैं ऐसे बट इसमें जो लेवल है जो बंडस का लेवल है वो अलोंग दी कंटूर्स होना चाहिए कंटूर्स क्या होते हैं कंटूर्स लाइन जॉइनिंग द इक्वल एलिवेशन जैसे ये है ये है ये है अगर हम यहां बंड बना रहे हैं इसी लाइन में अक्रॉस द सेम लेवल एक यहां ये पूरा एक ये एक ये पूरा ये अलोंग दी स्लोप तो है बट अक्रॉस दी सेम लेवल ऑफ कंटूर तो इसको हम बोलते हैं कंटूर बंड्स इससे क्या फायदा होगा देखिए यहां से पानी आ रहा है हाई वेलोसिटी से यहाँ पर था हाई वेलोसिटी पानी अब जो ये बंड्स हैं ये क्या करेंगे जो आ, इसकी वेलोसिटी है पानी जो ऊपर से रन ऑफ में आ रहा है उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा जिससे सॉइल का एरूजन कम हो जाएगा अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है कि कंटूर बंड्स हम कब बनाते हैं ये एग्जाम से पूछ लेते हैं स्लोप अप टू स्लोप अप टू सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट तक अगर स्लोप है तो हम कंटूर बंड्स बना सकते हैं देखो जो हमने पहले देखा था कंटूर बंड्स कंटूर बंड्स इज सुटेबल फॉर द एरिया जहाँ जो रेनफॉल है वो बहुत कम है अगर बात कर लें हम रेनफॉल की बात करें तो लेस देन 600 हंड्रेड mm, मिलीमीटर अगर इससे कम रेनफॉल है जो जनरली हमारे एरियाज़ हैं एरिड एंड सेमी एरिड एरिया और वहाँ का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है या बोल लें हैं सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा है टू द वाटर वहाँ पर हम ये कंट्रोल बंड करते हैं और दूसरी बात जो क्रेडिट बंड है इसको किया जाता है हाई रेनफॉल एरिया में हाई रेनफॉल एरिया में क्या होता है जो पानी है वो परमेबल नहीं होती इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत कम होता है तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम ग्रेडेड बंडिंग बनाते हैं वहाँ और जनरली वहाँ का जो रेनफॉल होती है ग्रेटर देन 800 हंड्रेड मिलीमीटर पर ईयर पहले वाले में तो हमने क्या देखा लेस देन 600 हंड्रेड मिली पर ईयर और ग्रेडेड बंड में जो रेनफॉल होती है वो ग्रेटर देन 800 हंड्रेड मिली पर ईयर होती है अब मैं इसको एक डायग्राम से समझा देता हूँ जो ग्रेडिड बंड की बात अभी हमने करी इसको मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ देखिए कंटूर बंड्स तो मैंने बता दिया कि आपका जो ये लैंड है एक्रॉस द स्लोप बना रहे हैं विद द सेम लेवल ऑफ कंटूर कंटूरस के सेम लेवल में बना रहे हैं ऐसे ठीक है पर जो हम यहाँ ग्रेडेड बंड बना रहे हैं उसको कैसे बनाएंगे देखिए ये लैंड है ये इसका स्लोप है हम इसमें क्या करेंगे कि जो पानी आ रहा है बंड्स तो हम बनाएंगे अलोंग द स्लोप स्लोप में ही बनाएंगे बट जो लेवल रहेगा वो कंटूर्स के साथ नहीं रहेगा जैसे वहां तो कंटूर्स के साथ ही जो लैंड जॉइनिंग इक्वल एलिवेशन थे उनके साथ ही रह रहा था ऐसे ऐसे बट यहाँ ग्रेडेड बंड के केस में हम ऐसे बंड्स बनाते हैं ऐसे करके उसमें कुछ स्लोप ग्रेडियंट रहता है उसमें जो हम बंड्स बना रहे हैं उसमें भी कुछ स्लोप ग्रेडियंट रहता है फिर जो ये पानी आएगा थोड़ा बहुत पानी यहाँ रुकेगा उसके बाद ये चैनल के थ्रू निकल जाएगा ऐसे ठीक तो यहाँ जो हम बंड्स बना रहे हैं वो एक दी कंटूर लाइन नहीं बनाएंगे जैसे केस ऑफ कंटूर बंड्स हम दी कंटूर लाइन हम बना रहे थे इसके बाद है ब्रॉड बेट एंड फरो सिस्टम इसमें क्या करते हैं इट इज़ सुटेबल फॉर मैनेजिंग ड्रेन वाटर इन ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल के केस में इसको यूज़ किया जाता है वेयर सर्फेस ड्रेनेज ड्यूरिंग मानसून पीरियड इज़ ए प्रॉब्लम जहां सर्फेस ड्रेनेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन मानसून पीरियड इसमें क्या करते हैं ब्रॉड बेस्ड फरो सिस्टम इसमें जो बेड है वो बहुत ब्रॉड बनाया जाता है और उनके बीच में फरोज होते हैं देखिए मैं इमेज दिखा देता हूँ इससे आपको आइडिया मिल जाएगा ये दिस इज द ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम इसके बाद जो है ब्रेंड टेरेसिंग बेंच टेरेसिंग क्या है बेंच टेरेसिंग इज यूजअली प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप रेंजिंग फ्रॉम सिक्सटीन टू थर्टी थ्री ये ये फैक्ट आपको याद रखना है कि बेंच टेरेसिंग इज डन वेयर द स्लोप इज बिटवीन सिक्सटीन टू थर्टी थ्री परसेंट अब बेंच टेरेसिंग के बारे में अभी इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे बेंच टेरेसिंग क्या है और बेंच टेरेसिंग के टाइप्स क्या होते हैं उसके बाद है जिंग टेरेसिंग जिंग टेरेसिंग एक तरीके का बेंच टेरेसिंग ही है इसमें हम क्या करते हैं जैसे बेंच टेरेसिंग होती है ना बेंच टेरेसिंग में जैसे मान लीजिए स्लोप बहुत ज़्यादा है सिक्सटीन टू थर्टी थ्री परसेंट स्लोप है जैसे हिली एरियाज हैं वहाँ क्या होता है बहुत ज़्यादा स्लोप होता है ऐसे तो हम इसमें क्या करते हैं ये कुछ मिट्टी कट करके यहाँ से ये मिट्टी हमने कट करी यहाँ से इसको हम फिल कर देते हैं यहाँ यहाँ फिल कर देते हैं तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है सीढ़ी नुमा तो इस सीढ़ी नुमा खेत को ही हम बोलते हैं बेंच टेरेसिंग और जिंग टेरेसिंग क्या है मान लीजिए कुछ एरिया है जहाँ का सेप या बोलें टोपोग्राफी बहुत ही एंडुलेटिंग है है तो बेंच टेरेसिंग ही वो बट उसका जो सेप है वो ऐसा कुछ बनेगा देखिए ऐसे सीढ़ी नुमा खेत तो बन ही रहे हैं पर ऐसे बनेंगे वो ऐसे ठीक तो ये है जिंग टेरेसिंग अब इसके बाद यहां अगला टॉपिक है कंजर्वेशन मेजर्स फॉर हिली स्लोप्स हिल स्लोप्स के लिए कौन कौन से कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मेजर अडॉप्ट चाहिए पहला है कंटूर ट्रेंचिंग देखो ऊपर क्या आया था कंटूर बंडिंग यहाँ क्या है कंटूर ट्रेंचिंग कंटूर ट्रेंचिंग में क्या करेंगे जो एक कंटूर हम क्या करेंगे एक ट्रेंच यानी कि गड्ढा गड्ढे को खोद देंगे तो यहां क्या है यह है स्लोप इस स्लोप में है ये लैंड हम इसमें क्या करते हैं जो आपकी कंट्रोल लाइन्स है वहां हम ये ट्रेंच को डिक कर देते हैं ठीक है इससे क्या होगा जो पानी आ रहा है हाई वेलोसिटी से वो यहां ट्रेंच में चले जाएगा उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी सॉलिड रिजन कम हो जाएगा तो ये है कंटूर ट्रेंच अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेंच टेरेसिंग के बारे में विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है ये बेंच टेरेस क्योंकि इसको मोस्टली यूज किया जाता है हिली एरियाज़ जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड असम तो यहाँ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इनके जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ बेंच टेरेसिंग को अडॉप्ट किया जाता है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म एलोंग कंटूर कट इन टू हिल स्लोप इन स्टीप लाइक फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको इमेज के द्वारा कि हम बेंच टेरेसिंग में क्या करते हैं जैसे आपका स्लोप है स्लोप को हम कट कर देते हैं स्लोप है इसमें हम यहां से हम कट करके यहां फिल कर देते हैं और एक स्टीप लाइक सीढ़ी नुमा खेत जैसे बन जाते हैं तो इसको हम बेंच टेरेसिंग बोलते हैं एक चीज मैंने ऊपर बताई थी कि बेंच टेरेस को कहां यूज करना है वेयर द स्लोप इज बिटवीन 16 टू 33 परसेंट इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए अगर स्लोप 16 टू 33 परसेंट है तो वहां हम बेंच टेरेसिंग करते हैं अब यहां पर बात आती है कि बेंच टेरेसि के टाइप्स क्या क्या होते हैं देखो अकॉर्डिंग टू परपज ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो ये पहला वाला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू परपजेज हिल टाइप है इरीगेटेड बेंच है या ऑर्चर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये इसके कुछ क्लासिफिकेशन है बट जो मेन क्लासिफिकेशन है इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ बेंच एंड रेनफॉल कंडीशन इसमें कितने टाइप के हैं एक तो है बेंच टेरेस स्लोपिंग आउटवर्ड दूसरा है बेंच टेरेस स्लोपिंग इनवर्ड तीसरा है बेंच टेरेस विथ लेवल एंड टेबल टॉप और लास्ट है स्टोन टेरेसिंग अब देखिए जो पहला है बेंच टेरेस स्लोपिंग आउटवर्ड इसको कहाँ यूज किया जाता है जहां बारिश बहुत कम होती है मान लीजिए कोई एरिया है वहाँ सेवन फिफ्टी एम से कम बारिश हो रही है और जो वहां की सॉइल है वो परमिएबल है वहाँ हम यूज़ करते हैं बेंच टेरेस स्लोपिंग आउटवर्ड मैं इमेज के द्वारा बता देता हूँ हम क्या करते हैं ये स्लोप है हमने यहां से इसको हम बोलते हैं कट पार्ट और इसको बोलते हैं फिल पार्ट तो हम इसमें क्या करते हैं जो ये वाला ये सरफेस ऑफ बेंच है ना इसको हम बोलते हैं सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ बेंच तो जो सरफेस ऑफ बेंच है इसका जो स्लोप हम रखते हैं वो थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ यानी कि इस पॉइंट में यहाँ की तरफ झुके रहता है यह आपका सीढ़ीनुमा खेत ऐसे बता देता हूँ नॉर्मल ऐसे तो आप देख रहे होंगे कि जो ये वाला स्लोप है ये थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ बेंड है और इसको यूज किया जाता है वेयर द रेनफॉल इज़ वेरी लो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पानी आ रहा है बारिश का पानी देखो बारिश तो कम हो रही है यहाँ से थोड़ा पानी नीचे चले जाएगा फिर यहाँ से नीचे ऐसे करते करते हर खेत में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा सो दिस इज़ द बेंच टेरेस स्लोपिंग आउटवर्ड इसके बाद इनवर्ट की बात करें तो इन्वर्ट वाले में क्या कर रहे हैं हम जो मिट्टी है या स्लोप है उसको हम ऐसे कट कर रहे हैं कि जो सर्फेस ऑफ बेंच है यानी कि ये वाला पार्ट इसका स्लोप इन्वर्ट की तरह आए इसको कहाँ किया जाता है जहाँ हाई रेनफॉल एरिया है हाई रेनफॉल एरिया ग्रेटर देन सेवन फिफ्टी एम एम इसमें क्या किया जाता है जो इसका पॉइंट है यहाँ पर यहाँ से एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाता है जितना ज़्यादा एक्सेस वाटर होता है वो यहाँ से ड्रेन होते रहता है सो दिस इज़ द बेंच टेरेस स्लोपिंग इनवर्ट इसके बाद है बेंच टेरेस विद लेवल एंड टेबल टॉप जहाँ पर मीडियम रेनफॉल एरियाज हैं वहाँ पर हम बेंच टेरेस विद लेवल एंड टेबल टॉप यूज करते हैं यानी कि जो ऑफ बेंच है यहाँ क्या है लेवल्ड है कोई इसमें स्लोप का ग्रेडियंट नहीं रखा गया है इसको जनरली हम यूज करते हैं फॉर राइस कल्टिवेशन तो ये आपको याद रखना है कि बेस्ट टेरेस विद लेबल एंड टेबल टॉप इज़ यूज इन केस ऑफ राइस कल्टिवेशन उसके बाद जो लास्ट है वो है स्टोन टेरेसिंग या स्टोन वॉल टेरेस दिस इज ए स्मॉल इम्बैकमेंट कंस्ट्रक्टेड विथ स्टोन एक द स्लोप स्टोन का यूज कर रहे हैं हम इट इज अडोप्टेड ऑन एनी स्लोप विद स्पेसिंग फॉर थर्टी टेन टू थर्टीन मीटर डिपेंडेंट अपॉन स्लोप जैसे ये है स्लोप आपका तो हम स्लोप में क्या करते हैं स्टोन पैकिंग कर देते हैं ये ये आपको दिख रहा है ना ये तो ये है स्टोन पैकिंग जिससे क्या होगा जो पानी आ रहा है वो रुक जाएगा पानी की वेलोसिटी रुक जाएगी और जितना एक्सेस वाटर यहाँ भर जाएगा वो ऊपर से निकल जाएगा और ऐसे सीरीज में हम लगा देते हैं स्टोन वॉल टेरेसेस तो दोस्तों लेक्चर में यही था हमने लेक्चर में देखा कि बर्ंडस क्या होते हैं टेरेसेस क्या होते हैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा देखो मैं थोड़ा एक शॉर्ट समरी भी बता देता हूँ इसमें हमने मैकेनिकल मेजर्स के बारे में पढ़ा कि मैकेनिकल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं सॉयल कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले हमने देखा बेसिन लिस्टिंग बेसिन लिस्टिंग में क्या देखा कि हमने अगर माइल्ड स्लोप है उसमें हम सीरीज में हम क्या करते हैं बेसिन बना देते हैं ऐसे इमेज भी मैंने आपको दिखा दी थी मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये सो दिस इज बेसिन लिस्टिंग दूसरा था सब सॉइलिंग आपको पता ही है कंटूर बंडिंग देखो कंटूर बंडिंग हम करते हैं जहाँ का स्लोप अप टू सिक्स परसेंट रहता है कंटूर बंडिंग के बारे में बता दिया था मैंने कि अलॉन्ग द स्लोप एंड अक्रॉस द सेम लेवल ऑफ कंटोर लाइन ग्रेडेड बंड में क्या बताया था कि देखो स्लोप में तो बना ही रहे हम बट उसका जो हम बंड बना रहे हैं उसमें कुछ स्लोप ग्रेडियंट रहता है यानी कि वो सेम कंट्रोल लैंस में नहीं बनाया जाता उसके बाद ब्रॉडबैंड एंड फरो सिस्टम इसकी इमेज दिखाई थी बेंच टेरेसिंग बेंच टेरेसिंग हम कब करते हैं 16 टू 33 परसेंट जब स्लोप होता है उसके बाद जिंक टेरेसिंग पड़ा था ये भी सेम था बेंच टेरेसिंग बट थोड़ा सा अलग केस था इसकी इमेज मैं दिखा देता हूँ ये ये है जिंक टेरेसिंग इसके बाद हमने बेस्ट टेरेसिंग के बारे में पढ़ा था इसके क्या क्या टाइप्स हैं पहला पढ़ा था आउटवर्ड वाला आउटवर्ड वाला हम कहाँ करते हैं जहाँ रेनफॉल कम होता है लेस देन सेवन फिफ्टी एम से उसके बाद बेस्ट टेरेस स्लोपिंग इनवर्ड इनवर्ड वाला जहाँ रेनफॉल जहाँ रेनफॉल हाई होता है मान लीजिए ग्रेटर देन सेवन फिफ्टी एम अगर इससे ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वहाँ हम बेस्ट टेरेस स्लोपिंग इनवर्ड वाला बनाते हैं उसके बाद बेस्ट टेरेस विद लेवल एंड टेबल टॉप इसको कहाँ यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ राइस कल्टिवेशन और लास्ट था हमारा स्टोन टेरेसिंग तो ये कुछ हमने टेरेस के टाइप देखे टोटल ये फोर टाइप्स थे बेस्ट टेरेस के जो मेन थे और दोस्तों इसका जो अगला चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स देखो इस पर एक वीडियो बना रखी है हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है उसको हमने प्ले में डाल रखा है जो अरुण कात्यन वॉल्यूम वन वाली हमने प्ले बना रखी है वहाँ हमने इसको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप वाला पार्ट डाल रखा है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो क्या होगा क्योंकि इसका अगला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्रॉप प्रोडक्शन इसको शुरू करना है या इसके अगले या इसके अगले चैप्टर से हमको लेक्चर कंटिन्यू करना है क्योंकि देखिए क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप वाइज तो हमने एम सी चलाई रखी है राइस हमने कवर कर दिया है वीट हमने कवर कर दिया है अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्रॉप प्रोडक्शन वाला लेक्चर शुरू करना है या नहीं करना है इसके बाद चैप्टर है हमारा सी टेक्नोलॉजी फिर उसके बाद हमारा सोयल साइंस वाला पार्ट शुरू हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर